स्टूडेंट्स हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 की वीडियो लेके आए हैं। देखिए, आज मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी इसलिए वीडियो ज़्यादा हो गई। और देखिए, मैंने हर क्वेश्चन की अलग वीडियो इसलिए बनाई है कि आप अगर एक क्वेश्चन की वीडियो एक साथ देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो छोटे क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैंने दो क्वेश्चन की एक साथ बनाई है। चलिए देखिए, बिना देर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो हमें शो करना है, प्रूफ करना है, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। मीन्स यहाँ पर वैल्यू दी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, है ना? तो देखिए, है ना, वी है, यानी कि गिविन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए, हम क्या करेंगे, जेड को हम इधर ले आएंगे, है ना? इससे क्या होगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब देखिए इधर जेड प्लस का, अगर हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का जेड, क्या हुआ, है ना, ये जेड को हम इधर लिया तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। हमने इससे प्रूफ करना है इसको, ओके? अब देखिए क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब कर देंगे, है ना, क्यूब ऑफ बोथ साइड। देखिए, हमने क्यूब क्यों किया है, क्योंकि हमने एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब क्यूब में लाना है, तो इसका हम क्यूब कर देंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब, ओके? अब हम इसे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब से खोल देंगे। कैसे खोलेंगे, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इक्वल टू जेड की क्यूब क्या हो जाएगी, माइनस जेड की क्यूब, ओके? यहां तक क्लियर है? अब देखिए, ये हो गया, इन दोनों को हमने क्यूब क्यूब निकाल दिया, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई और जेड की क्यूब माइनस जेड की क्यूब। अब देखिए, यहां पर हमने एक चीज करनी है, क्या, यहां पर हमने एक्स प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड निकाली है, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, किसमें पुट कर देंगे, इसमें, मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। तो एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे, माइनस जेड, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy इंटू माइनस जेड इजकल टू माइनस जेड की क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस, तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3xyz इजकल टू माइनस जेड की क्यूब, ओके? अब देखिए, हमने केवल इसमें अब एक ही काम करना है, माइनस जेड को तो हम इधर ले आएंगे और 3xy को 3xyz को इधर ले जाएंगे, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, अब देखिए जेड की क्यूब को हम इधर ले आएंगे, इधर माइनस का इधर लाएंगे तो ये प्लस का जेड की क्यूब, ओके? और इज इक्वल टू, ये इधर माइनस 3xyz है, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3xyz, प्रूव हो गया ना? देखिए, इसमें ज्यादा कुछ मैंने नहीं किया है, सबसे पहले जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है उससे हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दी, दोनों साइड का क्यूब कर दिया, x प्लस वाई के होल क्यूब को खोल दिया और इधर जेड का क्यूब आ गया। अब x प्लस वाई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस जेड की मल्टीप्लाई 3xy में कर दी और
3xy को इधर लेगी और माइनस z को क्यूब को इधर ले आए। तो प्रूफ करके क्या है, ये आपकी वैल्यू आ गई x क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इक्वल टू 3xyz। यही हमने इसको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। यहाँ पर कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट में -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, नेक्स्ट 28 क्यूब प्लस -15 की क्यूब प्लस -13 की क्यूब। तो इनकी हमने क्या, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब निकालेंगे कैसे, देखिए इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था 13, उसके अकॉर्डिंग कैसे, देखो। देखिए यहाँ पर अगर हम ले x की वैल्यू इजकल टू -12, ओके -12, y इजकल टू 7 एंड z इजकल टू 5, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपको ध्यान है तो 13 में था x प्लस y प्लस z इजकल टू 0। तो देखिए हम क्या करेंगे, x, y और z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू -12 प्लस y की वैल्यू 7 प्लस z की वैल्यू 5 इजकल टू 0। देखिए कैसे, -12 प्लस का 7 प्लस का 5 प्लस का 12 देन इजकल टू 0, वेरीफाई हो गया। अब हम इसे क्यूब के अकॉर्डिंग निकालेंगे कैसे, देखिए x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इजकल टू 3xyz, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए x की वैल्यू क्या है, -12 का क्यूब प्लस y की वैल्यू 7 का क्यूब प्लस z की वैल्यू 5 का क्यूब एंड इजकल टू 3 मल्टीप्लाई -12। एक्स की वैल्यू क्या है, -12 एंड वाई की वैल्यू 7 एंड जेड की वैल्यू 5। तो देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ना करके भाई, अगर हम इसको करते तो हमने तीन बार मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 times, -12 की 3 times, 7 की 3 times, 5 की 3 times। इसको ना करके हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई -12 में मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। तो 3 की 12 में करेंगे, 12 3 जा -36 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। अब 7 से कर दीजिए, ये हो गया -252 मल्टीप्लाई 5, भाई 7 6 जा 42, 4 7 3 21 और 4 25। अब 5 से कर दीजिए, 5 2 जा 10 0 1 5 5 जा 25 1 26 2 5 2 जा 10 और 2 12, ये हो गया -1260, ये इसकी वैल्यू आ गई। अगर देखिए आपको अपना क्वेश्चन चेक करना है तो आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, सेम आएगी, ओके। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, चलिए इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर x इजकल टू 28, y इजकल टू -15 एंड z इजकल टू -13, ओके। देखिए वही सेम प्रोसीजर, x प्लस y प्लस z इजकल टू 0, x की वैल्यू 28, y की वैल्यू प्लस -15 एंड z की वैल्यू प्लस -13 इजकल टू 0, ओके। देखिए क्या हो जाएगा, 28 प्लस माइनस -15 प्लस माइनस -13 इजकल टू 0, देन 28 प्लस एंड 28 माइनस देन इजकल टू 0। अब देखिए क्यूब से निकाल देंगे, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इजकल टू 3xyz, ओके। x की क्यूब क्या, 28 की क्यूब प्लस y की क्यूब -15 की क्यूब
प्लस माइनस 13 क्यूब इजकल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 28 इंटू वाई माइनस 15 एंड मल्टीप्लाई माइनस 13। ओके, अब देखिए ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेशन का नियम है और सिंपल है। पहले 3 की मल्टीप्लाई 28 में कर देंगे, है ना, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 84, है ना भाई, 28 3 जा 84 मल्टीप्लाई माइनस 15 एंड मल्टीप्लाई माइनस 13। अब देखिए माइनस 15 से कर दीजिए, तो 15 से करेंगे 15 4 जा 66, 15 8 जा 126, ये हो गया, है ना, और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस का 13। ओके, अब 13 से कर दीजिए, 13 0 0 है ना, 13 6 जा 7, 13 2 जा 26 और 7 33, 31 जा 13 और 3 16 एंड प्लस माइनस माइनस। तो देखिए हमने क्या केवल कुछ नहीं करा, केवल ये कैलकुलेशन करी है। पहले 3 की मल्टीप्लाई 28 में, 28 3 जा 84, उसके बाद 15 की मल्टीप्लाई 84 में, 15 4 जा 66, 15 8 जा 120 एंड 6 126 प्लस माइनस माइनस। नाउ मल्टीप्लाई बाय माइनस 13, 13 0 0 13 6 जा 78 कैरी 7, 13 2 जा 26 एंड 7 33, 13 1 जा 13 एंड 3 16, देन आंसर आ गया 16380। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब केवल 2 क्वेश्चन बचते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको भी कंप्लीट कर दूंगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हर क्वेश्चन की या 2 शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के एक वीडियो मैंने बनाई है, जिससे आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाए। आप उसको ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।